हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आई हूँ। दिस इज़ अबाउट अ प्रेगनेंसी कैलकुलेटिंग कैलेंडर। इस प्रकार का कैलेंडर जो है वो यूजुअली डॉक्टर्स के क्लिनिक में अवेलेबल रहता है, जिसके द्वारा हम क्विकली बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, अप्रॉक्सीमेट इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं अबाउट पेशेंट्स प्रेगनेंसी। सो अभी मैं आप लोगों को ये कैलेंडर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। यू कैन सी दैट इसमें बहुत सारे सर्कल्स बने हुए हैं। तो सबसे बाहर वाला जो सर्कल है वो कैलेंडर है, ओके। अच्छा, जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, लाइक दैट इट इज़ अ कैलेंडर। और इसमें फिर डेट्स भी लिखे हुए हैं, ये पूरा डेट्स लिखा हुआ है। इसके अंदर वाला जो सर्कल है दैट शोज़ द वीक्स ऑफ जेस्टेशन, ओके। इसमें 1 से लेके यू कैन सी 44 तक के वीक्स ऑफ जेस्टेशन दिखाया हुआ है। उसके अंदर में फिर से जो सर्कल है दो, एक है एवरेज फीटल लेंथ और एवरेज फीटल वेट, जो बताता है अप्रॉक्सीमेटली लेंथ इन सेंटीमीटर एंड वेट इन ग्राम, ओके। इसके अलावा यहाँ पे यू कैन सी एक एरो दिया है जो फर्स्ट डे ऑफ लास्ट पीरियड यानी LMP इंडिकेट करने के लिए है, और दूसरा एरो जो है वो दिखा रहा है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी दैट इज़ EDD इंडिकेट करने के लिए है, ओके। और यहाँ पर यू कैन सी दैट 37 वीक्स जब कंप्लीट होता है तो प्रेगनेंसी इज़ कॉल्ड फुल टर्म। तो 37 से 40 के लिए मैच्योरिटी के लिए एक शेड दिया हुआ है, और यहाँ पे उसके पहले का जो भी पीरियड में अगर डिलीवरी होती है तो वो प्री टर्म डिलीवरी या प्री मैच्योर डिलीवरी कहलाएगी। तो उसके लिए यहाँ पे इंडिकेशन दिया हुआ है। सो सपोज पेशेंट कम्स टू यू एंड उसका बताती है कि उसका LMP कितना, 15 दिसंबर था, मैंने इसको यहाँ 15 दिसंबर पे सेट करके रखा हुआ है। तो अगर उसका LMP 15 दिसंबर था तो यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ EDD इंडिकेशन दिखाई दे देगा आपको, ओके। सो ये रेड एरो जो है वो इंडिकेट कर रहा है 24th सितंबर विल बी द EDD, ओके। नाउ इफ़ पेशेंट कम्स टू अस फॉर चेकअप ऑन सपोज 25th ऑफ फेब्रुवरी, यहाँ 25th ऑफ फेब्रुवरी को पेशेंट आती है चेकअप के लिए, तो वो पीरियड में उसका कितना वीक्स ऑफ जेस्टेशन हुआ है, उसके बेबी का वेट अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा, उसके बेबी का लेंथ अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा, ये हमें पता चल जाता है। सो विथ हेल्प ऑफ दिस कैलेंडर हमें क्विकली पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी के कुछ डिटेल्स पता चल जाते हैं। तो दिस वीडियो वॉज अबाउट दिस टू एक्सप्लेन अबाउट दिस काइंड ऑफ कैलेंडर एंड टू अंडरस्टैंड कि इससे हमें किस तरह से इंफॉर्मेशन मिल सकती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।